आज के इस वीडियो में हम एक ऑनलाइन वेबसाइट के बारे में बात करेंगे जो कि एक वीडियो एडिटर है जिसका नाम इलस्ट्रो है। तो आइए देखते हैं क्या है ये और कैसे ये वीडियो को एडिट करता है और हमारा काम कैसे आसान करता है। इलस्ट्रो यहाँ पे हम टाइप करते हैं और ये बिल्कुल फ्री है और इसमें बस साइन अप करना है और अपने कंटेंट को अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप देखिए इलस्ट्रो एक फ्री ऑनलाइन वीडियो एडिटर है, इस पर हम जाते हैं। इससे यदि वीडियो एडिट हम करते हैं तो इसके लिए हमें कोई भी पैसा हमें पे नहीं करना है। और चलिए इसको ट्राई करते हैं, ट्राई फॉर फ्री पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे साइन अप करने के लिए यहाँ पे दे रहा है, क्योंकि अकाउंट है नहीं, पहली बार यूज़ कर रहे हैं, तो अकाउंट यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। तो साइन अप करने के लिए यहाँ पे एक ईमेल आईडी चाहिए, तो ईमेल आईडी हम यहाँ पे देते हैं। अब बारी आती है पासवर्ड यहाँ पे बनाने के लिए, तो यहाँ पे पासवर्ड हम देते हैं और ये पासवर्ड अपर केस, लोअर केस और स्पेशल कैरेक्टर में होना चाहिए। और यहाँ पे हम साइन अप यहाँ पे करते हैं। साइन अप के बाद यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे हमें सेंड होता है, तो इस वेरिफिकेशन कोड को हम अपने जीमेल में पाएंगे। तो यहाँ पे जीमेल को लॉगिन करते हैं। जीमेल में हमारा ओटीपी यहाँ पे आया है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम उस वेबसाइट पे इलस्ट्रो यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं और ईमेल को वेरीफाई करते हैं। हमारा ईमेल कुछ ही सेकंडों में वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम अपना प्रोफाइल नेम यहाँ पे दे देते हैं और कंटेंट क्रिएटर हैं हम, इन्फ्लुएंसर पे हम सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। और हमारे फॉलोअर चूँकि अभी कम है तो 1K कर देंगे और करीब 1-2 साल से काम कर रहे हैं और हमें YouTube वीडियो ही बनाना है, तो यहाँ पे YouTube को सेलेक्ट करते हैं और गेट स्टार्टेड कर देते हैं। इसके बाद हमारा सेटिंग ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। तो अब बारी आती है वीडियो एडिटिंग की। जैसे कोई भी वीडियो एडिटिंग हमें स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए देता है, वैसे ही हूबहू इसका इंटरफेस है। तो यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट करते हैं और यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम दे देते हैं। तो यहाँ पर हम टेस्टिंग यहाँ पर दे देते हैं क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं। और रेशियो जो है, कौन सा रेशियो में आप वीडियो यहाँ पे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए सभी रेशियो है। आप फेसबुक पे यदि वीडियो बनाते हो, इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल साइट या यूट्यूब के लिए, तो आप इसमें रेशियो ये चूज कर सकते हैं और यहाँ पे क्रिएट कर दें। बस हमारा काम यहाँ पे ख़त्म है। अब आती है वीडियो एडिटिंग की बारी। यहाँ पे हमारा वीडियो एडिटर यहाँ पे लोड हो रहा है, वो भी ऑनलाइन, और इसमें कोई भी प्रोसेसर का झंझट नहीं है। आपका कंप्यूटर स्लो है या आपका कोई ग्राफिक्स कार्ड उतना नहीं है अच्छा है, तब भी आप इसमें हाई क्वालिटी का वीडियो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो देखिए चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे वेलकम दे रहा है, वेलकम मैसेज, और इसे हम स्किप करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला जो सेक्शन है मीडिया का है, और यहाँ पे हम अपने मीडिया को यहाँ पे अपलोड करेंगे। और यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे स्टॉक फुटेज भी हमें मिल रहा है, स्टॉक रॉयल्टी फ्री इमेज यहाँ पे अवेलेबल है। यदि हम कोई भी इमेज को सर्च करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन है कि आप कैसा आप लेना चाहते हैं, लैंडस्केप में लेना चाहते हैं, पोर्ट्रेट या स्क्वायर, मतलब हर प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे सुविधा है। और यहाँ पे स्टॉक वीडियोज़ है, यदि हम वीडियोज़ फुटेज यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो इसके द्वारा हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और ये वीडियो जो है पिक्सल्स के द्वारा है और यहाँ पे फ्री में टेक्स्ट है, अलग अलग क्वालिटी के टेक्स्ट यहाँ पे शो हो रहा है। और टेक्स्ट के बाद यहाँ पे स्टिकर्स है और ट्रांजिशन है, फिल्टर्स, इफेक्ट, मास्क और कलर करेक्शन है। यहाँ पे रिकॉर्ड का भी यहाँ पे ऑप्शन है। और ऊपर साइड में यहाँ पे ये देख, यदि हम एक्सपोर्ट वीडियो को करना होगा तो यहाँ से करेंगे। और यहाँ पे नीचे टाइमलाइन में फीचर्स देखते हैं। ये हमारा वीडियो का टाइमलाइन है, ये ऑडियो है, ये टेक्स्ट है। और यहाँ पे कट दिया है और रीडो दिया है और अंडो दिया है और ऑडियो वीडियो सेपरेशन भी दिया है। जो हम एडोब प्रीमियर प्रो को यूज़ करते हैं तो उसमें अनलिंक होता है, यहाँ पे ऑडियो वीडियो सेपरेशन डायरेक्ट हमें मिल गया है। और मोनो सेपरेशन भी है यहाँ पे, और स्क्रीन शॉट भी यहाँ पे है, और फ्रीज फ्रेम और शो ऑन थंबनेल यहाँ पे है, और 100 सेक्शन है। तो चलिए एक हम यहाँ पे एक
फुटेज को हम यहाँ पे अपलोड करते हैं, उसके बाद वीडियो एडिटिंग यहाँ पे हम थोड़ा बहुत करेंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे और डाउनलोड भी करेंगे। ये हमारा फुटेज है और इसे हम अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप का यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम कॉपी कर देते हैं और ये कुछ ही सेकंडों में अपलोड हो जाएगा। आपकी नेटवर्क की कनेक्टिविटी और स्पीड के ऊपर निर्भर है कि आप कितने जल्दी अपलोड कर रहे हैं। यहाँ हमारा कंटेंट एक अपलोड हो गया है और इसे हम टाइमलाइन में यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये टाइमलाइन में ये वीडियो इंसर्ट हो गया है। और देखते हैं इसे एक्सपोर्ट करने में कितना टाइम लगेगा। ऐड होने के बाद यदि हम यहाँ पे कुछ हम कट करते हैं तो देखते हैं कैसे हमें कट करना होगा। ये यहाँ पे ये कट का सेक्शन है, देखिए ये कट हो गया। और इसके आगे का यदि हमें कट करना है तो इसे हम आगे करके और यहाँ पे हम सेलेक्ट करके उसके बाद हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये पोर्शन हमारा ये कट हो गया है और यहाँ पे दो कट लग गए हैं। यदि हमें इसे डिलीट करना है तो ये डिलीट का बटन है, इसे हम क्लिक करेंगे डिलीट पे तो हमारा ये डिलीट हो जाएगा और इसे हम किनारे ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद ऑडियो को यदि हम डिटैच करना चाहें तो यहाँ पे हम ऑडियो को यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ से ऑडियो वीडियो सेपरेशन की मदद से। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये ऑडियो भी सेपरेट हो गया। इसके बाद ज़्यादा हम इसमें एडिट नहीं करेंगे, आप एडिट कर लीजिएगा। और इसे हम एक्सपोर्ट पर क्लिक करते हैं, तो एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी वीडियो का नाम देना चाहें यहाँ पे हम दे सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे टेस्ट ही नाम है और यहाँ पे आउटपुट मॉडल में यहाँ पे दे रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे कैप्शन भी लिख देगा और प्योर ऑडियो यहाँ पे हम लिख देते हैं। ये प्योर ऑडियो को यहाँ पे हम हटा देंगे और MP4 ये आउटपुट देगा और 25 फ्रेम पर सेकंड का ये हमें वीडियो आउटपुट देगा। यदि हम यहीं से और यहाँ पे 25 30 50 60 पर फ्रेम के हिसाब से भी ये दे देगा और यहाँ पे हम कवर थंबनेल भी लगा सकते हैं। तो यदि हम 25 हटा के यहाँ पे हम 50 फ्रेम पर सेकंड करें, उसके बाद कोड रेट ये मिड है और एक्सपोर्ट करते हैं तो देखते हैं ये यहाँ पे एक कवर भी सेलेक्ट करना होगा तभी ये होगा। तो यहाँ पे ऐड कवर करते हैं और ये यहाँ पे एक्सपोर्ट हम करते हैं, यहाँ पे नेम दे देते हैं। यहाँ से हम GIF सेटिंग भी कर सकते हैं और ये वीडियो देखिए सेटिंग है हमारा, एक्सपोर्ट होने में ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है। ये तो माई एक्सपोर्ट सेक्शन में हम जाके यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा माई एक्सपोर्ट कितना है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मुझसे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक मुझे दीजिए आज्ञा।